आखिर कैसे होगा धरती का अंत। कभी ना कभी तो आपके भी जहन में ये बात आई होगी कि आखिर कब और कैसे होगा धरती का अंत। तो आज हम इस वीडियो में इसी मुद्दे पर बात करेंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। दरअसल कुछ लोगों का मानना होगा कि अंतरिक्ष से कोई बहुत बड़ी चट्टान या उल्का पिंड पृथ्वी से टकराएंगे, जिससे पृथ्वी का विनाश हो जाएगा और पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। और लोगों का ऐसा मानना जायज भी है, क्योंकि इसके पहले भी अंतरिक्ष से उल्का पिंड गिरने की वजह से धरती में काफी बदलाव हुए हैं और जीवों की कुछ प्रजातियां पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं, जिसके बाद अब सभी को लगता है कि पृथ्वी पर हमारा भी अंत उल्का पिंड के गिरने से ही होगा। दरअसल वैज्ञानिक भी इस सवाल का सही जवाब खोजने के लिए लंबे समय से शोध व अध्ययन कर रहे हैं, परंतु अब जाकर कहीं वैज्ञानिकों को सफलता मिली है। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी का अंत एक बाहरी ग्रह यानी एक्सोप्लेनेट की वजह से होगा। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर यह एक्सोप्लेनेट क्या है और इसकी वजह से पृथ्वी का अंत कैसे होगा। यह जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। दरअसल हमारे ग्रह पृथ्वी का वजूद सूर्य की मौजूदगी में ही है। मतलब साफ है कि जब तक पृथ्वी को सूर्य से प्रकाश मिलता रहेगा, तब तक हमारे ग्रह पृथ्वी का अस्तित्व भी बना रहेगा। दोस्तों, हाल ही में वैज्ञानिकों ने नए अध्ययन में एक्सोप्लेनेट को सूर्य की ओर टकराने के लिए जाते हुए देखा है। धीरे धीरे इस एक्सोप्लेनेट की अपनी कक्षाएं खत्म हो रही है। एस्ट्रोनॉमिकल्स जनरल लेटर्स की रिपोर्ट के अनुसार ग्रहों के जीवन चक्र को समझने के नजरिए से वैज्ञानिकों का यह अध्ययन मील का पत्थर साबित होगा। दरअसल नासा ने टेलीस्कोप की सहायता से सूर्य की ओर बढ़ रहे बाहरी ग्रह केपलर 1658b की खोज 2009 में ही कर ली थी, परंतु इसे अब तक सैद्धांतिक रूप से ही माना जा रहा था। परंतु पूरे एक दशक के समय के दौरान इस बाहरी ग्रह के अस्तित्व की पुष्टि कर ली गई है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह बाहरी ग्रह बृहस्पति ग्रह से काफी समानताएं रखता है। इन दोनों का आकार और भार करीब करीब बराबर ही है। दोनों में सिर्फ इतना सा अंतर है कि बाहरी ग्रह सूर्य के बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच चुका है। इन दोनों के बीच की दूरी सूर्य और बुध के बीच की दूरी के 8वें हिस्से के बराबर रह गई। वैज्ञानिकों के मुताबिक एक्सोप्लेनेट की कक्षा हर साल घटती जा रही है। हालांकि यह एक्सोप्लेनेट काफी धीमी रफ्तार से सूर्य की ओर बढ़ रहा है। एक्सोप्लेनेट की कक्षा 131 मिलीसेकंड की दर से घट रही है। दरअसल ऐसा पहली बार होगा कि जब कोई प्लेनेट सूर्य से टकराएगा और फिर सूर्य में काफी परिवर्तन होने लगेंगे। और जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही बात किए थे कि पृथ्वी का अस्तित्व सूर्य की मौजूदगी में ही है, तो ऐसे में यदि सूर्य में कोई भी बदलाव आता है तो जाहिर सी बात है कि पृथ्वी पर भी बदलाव आएगा। और यह बदलाव पृथ्वी का अंत का कारण बनेगा या नहीं, यह जानने के लिए बने रहिए पृथ्वी पर केपलर 1658b का सूर्य से टकराने तक। तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले यदि आपको वीडियो जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।